Hello students, aaj class plus 2 unit number 1 electrostatics ke lecture number 14 mein we are going to discuss about some numericals on the basis of a point charge placed in an external electric field. Now the first numerical is a water droplet of radius 1 micrometer in millikan oil drop apparatus is first held stationary under the influence of an electric field of intensity 5.1 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. How many excess electrons does it carry? And given the value of elementary charge small g and density of water. तो इस न्यूमेरिकल में एक ड्रॉप इज गिवन और क्योंकि हमने इस ड्रॉप पे फाइंड आउट करना है नेगेटिव चार्ज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज है इस ड्रॉप पे. अब ये ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी है मींस इक्विलिब्रियम में. अब यहाँ पे आप नोट करिए कि जो जो ड्रॉप है उसका जो वेट है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. अब हमें इसका रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एन फाइंड आउट करना है. तो अब दूसरी फोर्स कौन है जो इसके वेट को फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई. और वेट को बैलेंस करने के लिए दिस इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट एक्ट वर्टिकली अपवर्ड. अब क्योंकि ये ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज है तो जब कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके ऑपोजिट. तो इट मींस क्योंकि इस नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप को वेट को बैलेंस करने के लिए स्टेशनरी रहने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करनी है तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड होगी जैसे ये नज़र आ रहा है आपको. तो अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये ड्रॉप तो इट मींस एफ ई एंड डब्ल्यू एफ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड एफ ई की वैल्यू है क्यू ई डब्ल्यू है एम जी तो वहाँ से क्यू आ गया. अब क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट हमने अप्लाई किया तो क्यू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के कारण एन ई हो गया एन इंटू ई तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाल लेनी है. बट यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमें जो ड्रॉप है ना उसका मास नहीं गिवन हमें उसका रेडियस गिवन है और ये वाटर ड्रॉप है तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है. तो हमने मास की वैल्यू कैसे निकालनी है मास की वैल्यू निकलेगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. अब क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा 4/3 πr³. तो वहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद एन की वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 5. नेक्स्ट नंबर टू न्यूमेरिकल है ए कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8.6 g/cc एंड 1 cm इन डायामीटर इज इमर्ज्ड इन ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 g/cc. व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट रिमेन्स जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3600 V/m एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल जो ग्राम पर सीसी है उसको केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया डायामीटर ऑफ कॉपर बॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है ये गिवन है. अब अगेन क्योंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है बट यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि ये बॉल ऑयल में है इमर्ज्ड कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ऑयल
तो यहाँ पे इस बॉल पे एक तो फोर्स एक्ट करेगी उसका वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरी बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ ऑयल, इट मींस जो बॉयंट फोर्स है वो वेट से कम होगी। तो बॉल को इक्विलिब्रियम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको बॉयंट फोर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, मींस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको भी बॉयंट फोर्स की तरफ अपवर्ड होना पड़ेगा। तो दैट्स वाई एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई एंड इट एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ इक्विलिब्रियम में होने के कारण तो जितनी टोटल फोर्स ऊपर की और बॉयंट फोर्स बी प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट। अब यहाँ पे बॉयंट फोर्स क्या होती है, कंप्लीटली इमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, एंड बॉडी का वेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल एंड जी। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्यू की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेजन्स वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब न्यूमेरिकल नंबर 3, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2×10⁻¹⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। अब यहां पे आपने क्या करना है कि अगर जो पेंडुलम है उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती तो पेंडुलम ने डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होना था, यहाँ दिस वन। बट अब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो बॉब के ऊपर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बॉब पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा एफ ई। उस कारण जो पेंडुलम है दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल विद वर्टिकल तो थीटा। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस, टेंशन, वेट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेंशन के कंपोनेंट्स बनाएंगे, टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, टी साइन थीटा अलॉन्ग लेफ्ट। अब क्योंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी टी कॉस थीटा उतनी नीचे की तरफ एम जी, जितनी लेफ्ट की तरफ उतनी राइट की तरफ, तो इक्वेशंस 1 and 2। अब क्योंकि आपने एक तो एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1, तो टेन थीटा क्यू ई बाई एम आ जाएगा। अब आपको क्यू ई एंड एम सब गिवन है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अगर टेंशन निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के बाद आप टेंशन निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो तो उस थीटा की वैल्यू को आइदर सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 और इन 2, एक में सब्स्टिट्यूट करो या 2 में, वहाँ से भी टेंशन निकल सकती है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव वे। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब यहां न्यूमेरिकल नंबर 4 को समझने से पहले आप एक बात को माइंड में रखना कि हमने एक आर्टिकल किया था पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां हमने क्या देखा कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स उस पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज चाहे रेस्ट पे है, आइदर इट इज़ एट रेस्ट और इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स सेम लगेगी
इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम रहेगा क्यू ई। और ई क्या है, जिस वक्त हम पॉइंट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त जिस जगह पे पॉइंट चार्ज पोजिशनड है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, न्यूमेरिकल नंबर फोर में ए पार्टिकल ऑफ मास 10^-4 kg एंड चार्ज 5 μC इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 m/s अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2×10^5 N/C, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली। मीन्स कि यहाँ पे क्योंकि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने की वैल्यू है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो सिंपली क्यूई प्रोडक्ट से आती है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी इनिशियल है यू और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, एम मास है, क्यू चार्ज है और बाकी वैल्यूज आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगी और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह फोर्स एग्जर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ऑपोजिट, तो क्यू ई। और ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी से ऑपोजिट है तो रिटार्डिंग फोर्स का रोल प्ले करेगी और इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगी वो माइनस साइन ड्यू टू रिटार्डेशन यहाँ लिया है और फोर्स बाय मास। अब यहाँ पे आपने एक बात क्या नोट करनी है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे फोर्स सेम एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल फोर्स। अगर फोर्स इक्वल है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, सेम होगी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इट मींस यहाँ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फार्मूला v²-u²2s अप्लाई करके s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 μC एंड मास 10 mg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1000 m/s एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10^3 N/C डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 s। अगेन यहाँ पे आपने क्या नोट करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इनिशियल वेलोसिटी है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इट मींस ये प्रॉब्लम 2-dimensional प्रॉब्लम बन गई। तो अगर ये 2-dimensional प्रॉब्लम है तो उसमें आपने एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर लेना है, एक्स वाई प्लेन। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्यू एम ई यू ये सब आपको गिवन है स्टेटमेंट में। अब आपने क्या नोट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी दैट विल आल्सो एक्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो फोर्स क्यू ई अलोंग वाई एक्सिस एक्ट करेगी, तो इट मींस जो एक्सेलरेशन आएगी एफ ई बाय एम वो भी अलोंग वाई एक्सिस होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी। मींस ये अगेन ये न्यूमेरिकल 2-dimensional यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल होगी। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए, जैसे मैंने किए हैं कि क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो यू एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू, और अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, जीरो। एक्सेलरेशन
along y axis at. So it means x component of acceleration 0, y component is this one. अब आपने along x axis vx is equal to ux plus axt formula and along y axis formula use किया. अब यहाँ पे आपने ux axt uy ayt की value substitute करके vx vy निकाल लेनी है और उसके बाद v is equal to under root vx square plus vy square में value substitute करने के बाद आपको velocity after time 10 second आ जाएगी. अब दूसरा आपने निकालना है displacement. Displacement के लिए आप use करो कि x component of displacement uxt plus half axt square, y component of displacement uyt plus half ayt square. अब यहाँ पे value substitute करने के बाद delta x delta y निकालिए और उसके बाद total displacement का magnitude under root formula से use करके निकाल सकते हो. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस. कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल करेगा तो मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नीचे लगनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड होगी. और एक्सेलरेशन आ गई एफ ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू सब्सिट्यूट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की. अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन 3.55×10⁵ मीटर पर सेकेंड आई है और वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मच ग्रेटर है, तो इट मीन हम यहाँ पे वेट कंसिडर नहीं करेंगे. अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फार्मूला में वैल्यू सब्सिट्यूट करके आप टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. और ऐसे ही प्रोटॉन के केस में, क्योंकि प्रोटॉन ने भी नीचे को फॉल करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी और वो तभी करेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड होगा. और ऐसे ही आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकाल ली यूजिंग इक्वेशन 3 और वो अगेन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो स्मॉल जी के कंपैरेटिवली मच ग्रेटर है, तभी यहाँ पे हमने जी एम जी कंसिडर नहीं किया और फिर अगेन फार्मूला सेम लगा के टी पी भी निकाल लिया और यहाँ से आप टी ई ओवर टी पी की रेशियो निकाल सकते हो. थैंक यू.